सुरेश रैना और सुशील कुमार, इन दोनों ने साबित कर दिया है कि आप कहां से भी आए हो, किसी भी छोटी जगह से निकले हो, कैसे भी हालातों में निकले हो, लेकिन सच्ची लगन हो तो आप इंटरनेशनल स्टार बन सकते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी बात है, इन दोनों की अचीवमेंट पे बहुत बहुत तालियां बनती हैं। सुशील, आप इतने ताकतवर हैं, आप अपना ध्यान रखते होंगे, जाहिर सी बात है पहलवानी करनी है तो खास ध्यान रखना पड़ता है। आपकी डाइट क्या होती है? वेजिटेरियन हूं मैं, और जो जो मैस में खाना बनता है वही खाता हूं। जो सब जो हमारे 300-350 बच्चे हैं वो जो खाना खाते हैं मैं वही खाता हूं। मैं बच्चों के साथ ही रहता हूं अखाड़े में, तो वेजिटेरियन हूं, वेजिटेरियन में कुछ नहीं है। सो आप वेजिटेरियन हो के भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं होता कि आप नॉन वेज की तरफ जाएं, तो आजकल हम लोग जानवरों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। सो मेरा पाजी, आपने अपने केरल में स्ट्रे डॉग्स को वहां पे मारा जा रहा है। अच्छा, वो इसलिए मारा जा रहा है कि शायद उन लोगों का ऐसा मानना है कि स्ट्रे डॉग्स नहीं होने चाहिए, पर बीइंग एनिमल लवर, मुझे या आप भी बहुत प्यार करते हैं तो, और आप सब भी एनिमल लवर हैं, मुझे ऐसा लगता है ये नहीं होना चाहिए। और स्पेशली केरल जैसी जगह पे जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, और हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं जब भी हम लोग साउथ की बात करते हैं, खासतौर पर केरल की। सो जितने भी लोग अगर केरल में हमारा अगर ये शो देख रहे हैं, तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि प्लीज, बिकॉज ये चंद लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, बाकी मेजोरिटी में ये काम नहीं है, लेकिन अगर मेजोरिटी मिलके इस काम में, इस कैंपेन में हम लोगों के साथ आए, तो मुझे लगता है बेजुबान जानवरों को बचा सकते हैं। तो बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स, लेकिन उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल लव है, सो उनके साथ ये ज्यादती ना करें प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, सुशील जी, सुरेश जी, आपके बहुत सारे चाहने वाले जो हैं यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, एक एक करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी मैडम। हेलो सिद्धू पाजी, हाय कपिल सर, हाय सुशील सर, हाय रायना सर। तो माय क्वेश्चन इज फॉर रायना सर। जी, आप तो बड़ा कमाल का क्रिकेट तो खेलते ही है, हम सब जानते हैं, बट वी नो वन ऑफ योर सीक्रेट्स दैट यू आर अ वेरी नाइस सिंगर आल्सो, आप बहुत अच्छा गाते भी हो, एंड मोर ओवर आपकी वाइफ ने आपको एक सैक्सोफोन भी गिफ्ट किया है, आई एम श्योर कि आप उनके लिए जरूर बजाते होंगे, प्लीज हमारे लिए भी कुछ बजा दे। मैं आपके लिए गाना सुना सकता हूँ, अगर आपका कोई फेवरेट दो लाइन है आप मुझे बता दीजिए, मैं गा लेता हूँ। सर यू कैन सिंग एज वेल एज प्ले सर, प्लीज वी ऑल रिक्वेस्ट। ये वाला थोड़ा वो पक्का बजाओ ना, बोल के जाओ इसको। बंद पड़ी हुई है, ये खोल के जा भाई, तूती खोल भाई। वाह यार वाह, क्या बात है एक्टर। नहीं अभी गाना, दोनों फरमाइशें सुरेश आप प्लीज माइक पे, दूसरे वाले माइक पे। मुझे तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, क्या बात है जी। रहना गाना मेरे वाला हाल है, पहली लाइन याद, उसके बाद ट्यून याद रहती है। ओके, एक और ट्राई किसी और गाने की, फिर वो पूरा कुछ सुना था, फिर थोड़ा पूरा कुछ। हाँ, मुझसे नाराज नहीं अब छुट्टी दे दो, अब छुट्टी दे दो इसको। लिरिक्स की प्रॉब्लम है रैना की। नहीं, दो लाइन अभी अच्छी है, मुझे याद है, वो मैं प्रियंका को भी सुनाता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा। हाँ प्लीज। इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर, अभी भी दो हुई नहीं।
नहीं इतने तो मना लूंगा भाई। ये कॉमेडी नाइट्स के ना आज तक के किसी भी क्रिकेटर के सबसे बेस्ट पल है, मैं तेरे को सीरियसली बता रहा हूँ। भाई जो लिरिक्स की बात है लेकिन बंदा सुर में तो है, तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। जी और कोई मेरे दोस्त? वाह हरियाली हरियाली और रास्ता। हेलो जी दुबई सर। हेलो हेलो कपिल सर। क्या बोला क्या बोला क्या बोला उनको? हेलो सिद्धू पाजी सर। हेलो सिद्धू पाजी सर। हेलो सिद्धू पाजी सर। हेलो हेलो सिद्धू सर। चल रहा है मेरी लॉकी, चलो बोलो आगे। हेलो कपिल सर। हेलो हेलो रहने सर। हेलो सिद्धू सर। हेलो तेरा सबसे हो गया, तू बोल आगे बोल। रहने सर आपसे मेरा एक सवाल है। ठहरो पहले ऐसे करो, सामने दादर हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज लगाओ पहले तो। रहने सर आपसे मेरा एक सवाल है, मैंने आपका भी सेल्फी देखा तो जो टाइटैनिक पिक्चर है ना, टाइटैनिक पिक्चर है ना वो, जो ऊंचा बोलिए आप, चाहे ऊंचा बोले चाहे नीचा, वो पश्तो बोल रहा पश्तो। ओ ओ आपने पोजिंग किया ना सर, पोजिंग पोजिंग तो सर नहीं पकड़ा ना आपको ऐसे। वो मैं आपसे करना चाहता हूँ सर, आप इजाजत तो मैं आ सकता हूँ सर? हेलो कपिल सर। क्या कैसे आप? ठीक हो? हाँ सर ठीक। चलो आओ भाई एक मिनट में। कहाँ ले जा रहे हो? अब हाथ करना है नीचे, ये टाइटेनिक है, ये डूब रहा है, ठीक है? तेरी गुदगुदी होगी, गुदगुदी ये तो पाजी फांसी पे लटक रहा है। हाथ नीचे कर, थोड़ा प्यार फील कर, प्यार मेरे साथ प्यार भी, मेरी शादी हो चुकी है, थोड़ा फील कर। आंखें बंद कर, जिसको तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसके बारे में सोच। ये ना ये तो सुरेश तो प्यारा इंसान है, तो ऐसे उनके साथ कर रहा था, ऐसी बंदे की ऐसी गर्लफ्रेंड हो ना जहाज पे तो तेरे धक्का दे। जी और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। ओ नीलोफर मोहतरमा। हेलो सिद्धू जी। हेलो। हाय कपिल। हेलो जी। हाय सुरेश। हेलो। नमस्कार सुशील जी। ऐसा लग रहा है बाजार में खड़ी होके आवाज मार रही हो दूर से। एक कॉमनवेल्थ मेडल विनर से मैं बहुत सारी चीजें कॉमन में रखती हूँ, वो ये है कि आप भी हरियाणा से हैं, मैं भी हरियाणा से हूँ। ठीक है जी। जी मैम। आप भी शाहरुख खान के फैन है, मैं भी शाहरुख खान की फैन हूँ। ठीक है जी। मैंने सुना है आपने डीडीएलजे बहुत बार देखी है, और मैंने भी डीडीएलजे बहुत बार देखी है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है जी। मैं चाहती हूँ कि आप शाहरुख खान स्टाइल में रोमांटिक सा कोई डायलॉग बोलिए। ये ठीक नहीं है जी। अगर घबरा रहे हैं तो घबराइए मत, मैं हूँ ना। सही बताऊँ मैं आपको कि मैंने फिल्म आज तक हॉल पे एक फिल्म देखी है मैंने, मैरी कॉम। मैरी कॉम? हाँ वही देखी है, और कोई फिल्म देखी ही नहीं है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं देखी? नहीं देखी जी। सिद्धू जी झूठ बोले। आप झूठ बोले।
एक चीज मैं बताऊं जी, मैं थोड़ा सा मुंह फट सा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अच्छा तो अपनी जो फिल्म आपने थिएटर में देखी एक लौटी, उसका कोई डायलॉग ही सुना दीजिए। मुक्के वाले हैं जी, मुक्का पड़ेगा क्या फायदा। मुक्के वाले ही है सारे उसमें, कोई ऐसा है नहीं। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।